हमने सेमिनार एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है, और सेमिनार भी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसा सेमिनार नहीं है कि कोई टीचर आता है अपनी एक घंटे की बात रखता है, 10 मिनट बच्चों को कहता है कि सवाल जवाब करें फिर बात खत्म। हमारा सेमिनार पहले तो बच्चों को मंच प्रोवाइड करता है कि वो मंच पे आए, अपने मन की बात 1-1.5 मिनट में कहें। दूसरा, उनको बात कहने की कला, वो अपनी बात कहना भी एक कला होती है कि हम कितनी जल्दी अपनी बात कह पाते हैं और कितने वजन से रख पाते हैं। तीसरी बात इसमें आती है कि जो बच्चा मंच पे आकर बोलता है वो एक तरह से खुद भी जिम्मेवार हो जाता है कि मैंने जो बात मंच से कही वो मेरे अपने अंदर कितनी है। तो हम सेमिनार, हमने पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक अभियान, एक आंदोलन कह सकते हैं आप इसे, जो जम्मू कश्मीर से लेके पूरा हैदराबाद और बॉम्बे तक चल रहा है और आज इंदौर में हो रहा है, ये सेमिनार एक क्रांति पैदा कर रहा है। जो उसके परिणाम भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसके परिणाम, कि जो बच्चों ने स्कूल छोड़ा था वो एक सेमिनार अटेंड करने के बाद स्कूल जा रहे हैं। कई ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके पास 2-2 बच्चे हैं, मगर सेमिनार सुनने के बाद उनके मन में इच्छा आई कि मुझे दोबारा स्टडी शुरू करनी चाहिए। यानी ये एक बहुत बड़े परिणाम और पॉजिटिव। उसमें एक और खास बात आ रही कि जो युवाओं का अंतर है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो युवा केवल 30% ही है जो कॉलेज जा रहा है, लड़कियाँ 70% जा रही, उसको हम सेमिनार के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।